हेलो गाइस, वेलकम टू एडिसिट चैनल। तो WBG 2024 का एग्जाम हो चुका है और मार्क्स आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा और एक्सपेक्टेड मार्क वर्सेस रैंक का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब सभी को लग रहा है कि इस एक्सपेक्टेड रैंक में मुझे क्या कॉलेज मिल सकता है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है स्पेशली। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर हम देखें तो ये जो लास्ट 3 ईयर्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको एनालाइज करके हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो शुरू में ही जो कॉलेज आता है वो है कैलकटा यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो इसको शुरू करने से पहले हमको बताना चाहिए कि ये जो कट ऑफ हमने बनाया ये अंटिल मोपअप राउंड है। डिसेंट्रलाइज में इससे भी ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा और हम यहाँ पे सिर्फ जनरल का डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कैटेगरीज का अगर आपको देखना है तो वो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे टैब पे भी शो हो रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CU काफी वेल नोन गवर्नमेंट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का। तो अगर हम इसमें CSE या IT की बात करें तो CSE अराउंड आपको 900-2000 रैंक मिलता है मॉपअप राउंड तक। IT आपको अराउंड 1.2K to 1.3K मिल जाता है। अगर हम केमिकल टेक्नोलॉजी या सिर्फ एंट्री की बात करें तो केमिकल टेक्नोलॉजी या पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी ऐसे ब्रांचेस आपको अराउंड 6.5K to 7K आपको देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइज पे पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होने का चांसेस रहता है। अगला कॉलेज है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इस कॉलेज का ये काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है वेस्ट बंगाल में। तो इस कॉलेज का अगर CSE का कट ऑफ देखें तो वो अराउंड 2.1K रहता है, 2.1K से 2K ऐसा एक्सपेक्टेड रहने वाला है लास्ट 3 ईयर्स का अगर हम एनालाइज करें तो। और अगर आईटी को देखें तो वो अराउंड 2.8K आपको आईटी मिल जाता है। सिर्फ एंट्री की बात करें तो सिविल इसका लास्ट ब्रांच है और इसमें एंट्री आपको अराउंड 10K मिल जाता है फॉर जनरल कैंडिडेट्स ऑफकोर्स। ओके, सो इसके बाद आता है कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है कोलकाता का। तो अगर हम CSE की बात करें तो ये अराउंड मिलता है अराउंड 1.5K रैंक। और अगर हम आईटी की बात करें तो वो अराउंड 2K 2.3K मिल जाता है। सिर्फ एंट्री की बात करें तो इसका मतलब ज़्यादा ब्रांचेस इसमें नहीं है, सिर्फ CSE, IT, EC, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। मैकेनिकल में अगर हम एनालाइज करें तो वो मोटा मोटा 5K अराउंड आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है GCCT, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सेरेमिक टेक्नोलॉजी। तो इस कॉलेज में 3 ही ब्रांचेस है, CSE, IT और सेरेमिक। CSE का कट ऑफ रहता है अराउंड 4.5K ऐसा कुछ। आईटी आपको अराउंड 6K मिल जाता है। सेरेमिक की बात करें तो वो अराउंड 17-18K आपको मिल जाता है। इसके बाद आता है मैकआउट। मैकआउट में सिर्फ 2 ही ब्रांचेस है, CSE और IT। CSE आपको अराउंड 4.5K मिलता है, IT अराउंड 6.5K ऐसा कुछ मिल जाता है। एक और कॉलेज है GCELT, उसका कट ऑफ भी GCECT या मैकआउट जैसा ही रहता है। तो ये था ओवरव्यू ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस।